एसपी ने एसडीओपी कार्यालय का किया निरीक्षण। सिवनी मालवा। एसडीओपी कार्यालय में होशंगाबाद एसपी अनुकरण सिंह ने मंगलवार को एसडीओपी कार्यालय लगभग 40 मिनट तक निरीक्षण किया। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था, अनुसुलझे मामलों को भी सुलझाएंगे। जिला पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह ने अपना पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार एसडीओपी कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद स्टाफ के लोगों से परिचय प्राप्त कर लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकरण करने के साथ साथ अन्य आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अपराध और भौगोलिक स्थिति की जानकारी भी ली। कानून व्यवस्था में सुधार और संवेदनशील मामलों में सहयोग की उम्मीद जताई। शहर की यातायात व्यवस्था के सवाल पर नवागत एसपी गुरुकरण सिंह ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार लाएंगे, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने हत्या के मामलों में कहा कि जांच चल रही है, सभी मामलों का खुलासा जल्दी किया जाएगा। देखिए, आज मेरा जो शेड्यूल्ड इंस्पेक्शन रहती है एसडीओपी सिवनी मालवा के कार्यालय की, वो आज मैंने की। कार्यालय में सारे डॉक्यूमेंट्स जो चल रहे हैं, विवेचनाएँ जो चल रही हैं पूरे क्षेत्र के बारे में एसडीओपी सिवनी मालवा से चर्चा हुई और कुछ दिशा निर्देशों को दिए। सर, सिवनी मालवा की एक समस्या ये लगी, कुछ पुराने केसेस काफ़ी समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं, चोरी के। बिल्कुल, जो पुराने केस हैं उस पर हम नई ऊर्जा से और नई गति से उसमें काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और जितने भी ऐसे पेंडिंग, चाहे वो बॉडी ऑफेंसेज हों गई है या वो प्रॉपर्टी के ऑफेंसेज हों, हम उनकी विवेचना में भेजना है। सर, इसमें एक मामला पत्रकार की हत्या से भी जुड़ा हुआ है, बदरी का मामला है अभी तक। उस मामले की दोबारा एक नए सिरे से हमने जांच शुरू की है। हालांकि मामला पुराना है, मामले की विवेचना को पुलिस में पहले स्तर से भी मॉनिटर किया जा रहा है, पर उसमें कुछ नए तथ्यों के लिए, नए साक्ष्यों के लिए हमने दोबारा से प्रयास शुरू किया। रात में सिवनी मालवा क्षेत्र के अंदर गश्त के अंदर कमी रहती है सफाई को, क्या इसके लिए आप करें जिससे गश्त के बारे में, गश्त की डिवीजन मैं कर रहा हूँ, गश्त की समीक्षा भी मैं कर रहा हूँ और कुछ कुछ नए हमने बिंदु जोड़े हैं गश्त के लिए। और जहाँ तक रिवीजन की बात है, उसमें कहाँ कहाँ उसके नए टारगेट्स रहेंगे, गश्त कहाँ कहाँ लगेगी, पॉइंट्स कैसे रहेंगे, उस बारे में नए रूल्स में फ्रेम करना।